हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 13 स्वच्छता। स्वच्छता के बारे में हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमारे लिए स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। हमने देखा था कि अजय के बर्थडे पार्टी पर यहाँ पे वो अपने फ्रेंड को बुलाता है, तब उसका फ्रेंड उस पार्टी में आता है और इर्द गिर्द सारे और कचरा जो फैला हुआ है वो कचरा देखकर वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ मोहल्ले में कोई साफ सफाई करने वाला नहीं आता है। तो वो कहता है कि साफ सफाई करने वाले तो आते हैं, मगर लोग ऐसे हैं कि इर्द गिर्द कहीं भी वो कचरा फेंक देते हैं और इसकी वजह से हमारे मोहल्ले में कचरा जो है यहाँ पे कूड़ा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हम पेज नंबर 92 जो है वहां लास्ट लाइन हमने देखी थी कि अजय की माता जी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहेगी। अब हम पार्ट 2 में देखेंगे पेज नंबर 93 पर। पेज नंबर 93 पर हम जाएंगे, ऊपर का पैराग्राफ। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। जब दूसरा दिन हुआ, बर्थडे पार्टी पूरी हो गई और दूसरे दिन उसका फ्रेंड जो मोहन था, उन्होंने अध्यापक यानी कि उनके जो टीचर है उनको ये बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, तुम ठीक कहते हो मोहन, तुम राइट हो। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है, यानी कि बहुत सारे रोग उन गंदगी से हो सकते हैं। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। टीचर को ये बात बताता है मोहन, तो टीचर कहता है कि तुम्हारी बात सही है कि गंदगी जो है सभी लोगों की जड़ है। नगर पालिका अपना काम करती है, स्वच्छ रखना तो उसका काम है, वो काम करती है, मगर हमें भी नगर पालिका को थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी काम नगर पालिका ही करे, हमें अपना काम हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। कोई भी कूड़ा हो तो उस कूड़ेदान में हमें डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें स्वतंत्रता इतनी मिल गई है तो हम कहीं भी कूड़ा डाल दें, और साफ सफाई करने वाले तो है वो किस काम के, उसको सरकार क्यों पैसा देती है, उसको नगर पालिका क्यों पैसा देती है, नगर पालिका किस काम की है। ऐसी हमारी सोच है, हमें अपनी सोच बदलनी है, तभी तो स्वच्छता आएगी, और स्वच्छता आएगी तभी तो प्रभुता आएगी। आप स्टैंडर्ड 8 में आएंगे तब ऐसा ही एक बहुत अच्छा लेसन आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, बहुत अच्छा लेसन, इसमें भी बहुत अच्छी बात बताई गई है स्वच्छता के बारे में। हम दूसरों के ऊपर ही जो कुछ भी है वो थोप देते हैं, ये इसका काम है कि इसको करना है, हमें हमारी तो एक तो जिम्मेदारी बनती है कि जो कूड़ा दान है उसमें तो हम, क्या वो भी जिम्मेदारी किसी की है कि तुम्हारे हाथों से उठाकर वो डाल दे, कुछ तो हमारी जिम्मेदारी। एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें, यानी कि टीचर कहते हैं कि हम सब एक दिन अजय के मोहल्ले में जाए उनकी सोसाइटी में और वहां जाकर हम सफाई का काम प्रारंभ करें, स्टार्ट करें। संडे के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए, सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे,
सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता जो था बंद, वो उनमें बहुत सारी मक्खी मच्छर मार खाने वाली दवा डाली। तो मारने वाली जो दवा थी वो उसमें डाल दी। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो टीचर्स है वो अजय के मोहल्ले में जाते हैं, वहां जाकर वो झाड़ू वगैरह वगैरह साफ सफाई के वो साधन लेकर जाते हैं। फिर वो नहर थी गटर, उसमें से थोड़ा पानी रुका हुआ था। क्यों? क्योंकि जो नहर थी उनमें से बहुत सारा कूड़ा उस नहर में बीच में आया हुआ था, तो इसकी वजह से पानी रुका हुआ था, पानी आगे नहीं जा पा रहा, यहाँ पे स्टॉप हो गया था। और स्टॉप पानी हो गया था, और इस स्टॉप की वजह से पानी स्टॉप हुआ था, और इसकी वजह से पानी जो वो बाहर फैला हुआ था, और ये गंदगी वाला पानी था, गंदगी वाला पानी था, इसीलिए बदबू आ गई। तो ये जो कचरा है वो कचरा निकालने वाली चीजें लाकर वो निकाल दिया, मक्खी मारने वाले दरवाजे जो थी वो डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। कूड़ेदान यानी कि हम देखते हैं कि इस प्रकार का कोई डस्टबिन होता है जहां पे हम कूड़ा डालते हैं, ये कोई ऐसा भी डस्टबिन होता है ढक्कन वाला। तो ये ढक्कन जो है वो कूड़ेदान के ऊपर डाल दिया। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। इर्द गिर्द मोहल्ले में रहने वाले जो लोग थे वो बाहर निकल आए और इर्द गिर्द देखने लगे। शर्मा आने लगे। कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी हम कहलाते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आकर हमारे यहाँ साफ सफाई करने लग जाए तो हमें शर्म महसूस हो, क्योंकि ये हमने किया है और हमें इस उसको साफ सफाई करना है, उसकी हमें सोच करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, बच्चों में बहुत उत्साह था, छोटे बच्चे होते हैं वो एकदम उत्साहित होते, उसके अंदर कुछ नए करने की तमन्ना होती है, वो कुछ नया इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया, यूं ही सब देखते रहे और देखते देखते सब बच्चे जो थे उसमें इन्वॉल्व हुए और सब साफ सफाई करने लगे और पूरा मोहल्ला जो था वो क्लीन हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर जाकर कूड़ा कूड़ेदान नहीं डाले। अध्यापक घर घर गए, समझाया कि देखो भाइयों, आप अपने घर का जो कूड़ा है वो इस कूड़ेदान में डालिए और हमारा जो मोहल्ला है वो स्वच्छ रखिए। कूड़ादान यहाँ पर रखा हुआ है, आप अपना कचरा कूड़ेदान में डालिए। सभी मोहल्ले इस प्रकार से काम करेंगे, धीरे 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 हमारा शहर, हमारा स्टेट, हमारा पूरा का पूरा राष्ट्र जो है वो स्वच्छ बन जाएगा। तो बहुत अच्छा समझाया वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। अध्यापक ने समझाया कि अपने घर के आसपास स्वच्छ रखो, सब कुछ क्लीन रखो। उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करो, वे आपके मोहल्ले को साफ करें, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। अध्यापक ने बताया कि मेरे मोहल्ले आपके मोहल्ले में मेरे पाठशाला यानी कि स्कूल के बच्चे सप्ताह यानी कि वीक में एक दिन आए। तो यहाँ पे सप्ताह में एक दिन आए,
तो 7 दिनों के बाद हमारे पाठशाला के बच्चे आपके यहाँ काम करने के लिए साफ सफाई करेंगे और आप भी उसकी सहायता करेंगे, यानी कि आप बच्चों को हेल्प करेंगे। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति होगा, उनको थोड़ी शर्म महसूस हुई कि मोहल्ला हमारा है, एरिया हमारा है, पर बेचारे बच्चे गंदगी साफ करें तो हमें तो शर्म आनी चाहिए, हमें तो शर्म आनी चाहिए, चुटकी भर पानी में डूब जाना चाहिए। तो एक इंसान जो था, एक व्यक्ति था, उसको शर्म आई और वो कहने लगा, नहीं साहब, आप अपने बच्चे को भीख में न दीजिए, ये काम हमारा है, हम कर लेते हैं, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मतलब होता है जरूरत, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग स्वयं भी अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखें, यानी कि हम सब मोहल्ले वाले अपने मोहल्ले को क्लीन रखें, अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाए। अब आप कभी भी यहाँ भी आएंगे तो ये जो मोहल्ला है वो आप गंदगी वाला नहीं देखेंगे, आप साफ सुथरा एकदम क्लीन हमारा मोहल्ला है वो देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा लेसन था स्वच्छता, बहुत छोटा सा लेसन है मगर इतना महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है कि इसकी बात ही मत पूछो। अब ये लेसन हम यहाँ पे पूरा करते हैं, मगर बाद में लास्ट में मैं एक बात बता देता हूँ कि एक न्यूज़पेपर में आया था, एक भाई जो था बार बार ऐसी उसकी हरकतें पानी की पिचकारी है, वो भी एक गंदगी का एक पार्ट है, कहीं भी फेंकते हैं, कोई कूड़ेदान में डाले या फिर कहीं भी वो कुछ भी करे ऐसा नहीं है, कूड़ेदान में डाले वो सही, इर्द गिर्द कहीं भी नहीं पिचकारी। तो वो अपने अपार्टमेंट में चल रहा था, दूसरे फ्लोर पर उसका मकान था, तो वहां पे वो जा रहा था, तो उसके बगल में एक उसके पड़ोसी रहता था, जब वो निकलता था करीब वहीं पे वो पानी की पिचकारी मारता था, तो वो उसका जो दूर था वो निकलता था। वो भाई ने क्या किया, देखा उन्होंने फिर साफ कर, दूसरे दिन वहीं पे निकला, वहीं पे भी पानी की पिचकारी मारा, दूसरे दिन भी साफ कर। ऐसे वीक चला, मंथली चला, फिर 3 महीने चला, 6 महीने चला, मगर वो हारा नहीं। कौन साफ करने वाला, उन्होंने कुछ नहीं किया, जितनी बार वो मारेगा पानी उतनी बार क्लीन कर, क्योंकि मेरा वर्क है स्वच्छता है। जब वो पानी की पिचकारी मारने वाले को महसूस हुआ कि मैं 6 मंथ तक ये कार्य कर रहा हूँ, ये वर्क कर रहा हूँ, ये गलत, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये इंसान जितनी बार मेरे पानी की पिचकारी मारी उतनी बार उन्होंने साफ किया है और एक वर्ड भी मुझे कहा, दिल के अंदर ऐसी भावना पैदा हुई कि वो खुद ना खुद सुधर गया। और उन घरों को पड़ोस वाला आया था, उनके पैर छूने लगा, तुम सचमुच दया की मूर्ति, तुम सचमुच स्वच्छता रखने वाले। आज से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और कभी भी कहीं भी ऐसी जगह पे मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। प्यार से लोगों को जीता जाता है, इसी बात भी इसमें है। और स्वच्छता जो नहीं फैलाते, गंदगी फैलाते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे सबक नहीं सिखाया, प्यार से सिखाया जाता है, समझाया जाता है। कहीं भी आप कोई रूल्स डाल दो फिर भी वो फॉलो नहीं करेंगे, मगर हम उसको प्यार से समझाएंगे तो फॉलो करेंगे।
तो यह हमारा बहुत अच्छा लेसन था, स्वस्थ था, यह हमने यहाँ पे पूरा किया है। और इसका जो शब्दार्थ है यहाँ पे वो स्वच्छता यानी कि सफाई, निर्मलता रखना, फिर छिलका यानी कि जो फल होता है उनका ऊपर का जो छाप कहते हैं उसका आवरण, फिर बदबू का मतलब दुर्गंध बुरगंध, उत्साह यानी कि जोश मन, प्रथम यानी कि फर्स्ट पहला, कूड़ा डालना यानी कि कचरा डालने का पात्र, दोष तुम्हारे अवगुण अपराध, उपहार भेंट देना, गिफ्ट कहते हैं नजराने की वस्तु, फिर सप्ताह वीक 7 दिनों का समूह, मोहल्ला यानी कि गली शेर, या थोड़ा ओके। और यहाँ पे